रीवा में मंगलवार को तीसरा बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवारों को रोंदते हुए निकल गया। इस दौरान बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं समेत 1 युवक शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एकत्रित भीड़ को तितर बितर किया और सड़क पर बिखरे पड़े शवों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में मृतकों की पहचान नई गढ़ी के हड़िया गांव में रहने वाले आदिवासी परिवार के लोगों के रूप में हुई है, जिसमें पन्ना लाल कौल नाम का शख्स अपनी 2 भाभियों को लेकर नई गढ़ी से रीवा आ रहा था। तभी शहर पहुंचते ही वह हादसे का शिकार हो गया। इधर दुर्घटना के बाद मौके से भाग रहे डंपर का पीछा करते हुए पुलिस ने उसे गड़रिया मोड़ अंदर से जब्त कर लिया है। एक परिवार में बैठे लोग जो कौल समाज के थे, मोटरसाइकिल से जिसमें एक पुरुष और 2 महिलाएं थी, वो रीवा की तरफ आ रही थी। पीछे से एक डंपर आए, इसमें मुर मिट्टी कुछ लोड थी। पीछे से उसने टक्कर मारी मोटरसाइकिल को और उसके ऊपर से मोटरसाइकिल के ऊपर से वो डंपर निकल गया, जिससे मौके पे 1-2 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते समय 3 व्यक्ति की भी मौत हो गई। इसमें 1 व्यक्ति और 2 महिलाओं की मौत हुई है और डंपर वहाँ से फिर टक्कर करके भाग गया था, जिसको पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना के आधार पर पकड़ लिया है। डंपर के चालक मालिक का पता लग गया, पुलिस उनकी पकड़ धकड़ में लगी हुई है। इसके साथ साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सभी उसमें उस परिजन को राहत राशि दिलाने के लिए जो जो संभव हो सकता है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और दुखद घटना है निश्चित रूप से।